टाइगर 3 के लिए बना ली इतनी जबरदस्त बॉडी। जिम में पसीना बहाते हुए शेयर किया वीडियो। बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान की फिल्मों के लिए फैंस के बीच एक अलग किस्म का क्रेज देखने को मिलता है। सलमान की फिल्में उनके स्टाइल और राउडी अंदाज के लिए काफी पसंद की जाती है। हालांकि सलमान की पिछली फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई को दर्शकों ने खास पसंद नहीं किया, लेकिन अपने स्टाइल को लेकर सलमान फिर चर्चे में बने हैं। अब सलमान अपनी आने वाली फिल्मों के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। सलमान खान बहुत जल्द फिल्म टाइगर 3 में नजर आने वाले हैं। उनकी ये फिल्म साल 2017 में आई फिल्म टाइगर जिंदा है का सीक्वल है। अब इस फिल्म के लिए सलमान खान जिम में जबरदस्त पसीना बहा रहे हैं। सलमान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें वो इंटेंस वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं। उनके वीडियो में एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी बज रहा है जो टाइगर जिंदा है फिल्म का है। इस वीडियो को साझा करते हुए सलमान ने कैप्शन में लिखा है, मुझे लग रहा है कि ये शख्स टाइगर 3 के लिए ट्रेनिंग ले रहा है। इसके साथ ही अपने नए लुक की ओर इशारा करते हुए उन्होंने लिखा, ये तो केवल शुरुआत है। इस वीडियो में सलमान अपने बाइसेप्स पर काम करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही उनके इस वर्कआउट वीडियो को देखकर फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं। 50 की उम्र पार कर चुके सलमान की इस कड़ी मेहनत को देखकर फैंस हैरान भी हो रहे हैं और प्रेरित भी। बता दें कि इस फिल्म में इमरान हाशमी विलन के रोल में नजर आने वाले हैं। कुछ दिनों पहले भी उनका एक जिम वर्कआउट वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो अपने एब्स फ्लॉन्ट करते नजर आ रहे थे। अब खलनायक को टक्कर देने के लिए सलमान ने भी जबरदस्त बॉडी बना ली है। जिस तरह से दोनों अभिनेता जिम में पसीना बहा रहे हैं, उस लिहाज से लग रहा है कि ये फिल्म जबरदस्त एक्शन से भरपूर होने वाली है। इस फिल्म में एक बार फिर सलमान की जोड़ी कैटरीना संग जमने वाली है। पर्दे पर दोनों की जोड़ी फैंस को खूब पसंद आती है। सलमान खान अपनी जबरदस्त बॉडी के लिए भी काफी मशहूर है। शायद ही कोई फिल्म होगी जिसमें सलमान ने अपनी बॉडी फ्लॉन्ट ना की हो। सलमान जब भी पर्दे पर शर्ट उतारते हैं, फैंस जबरदस्त तालियां पीटते हैं। अब इस फिल्म के लिए भी सलमान खूब मेहनत कर रहे हैं। सलमान खान की टाइगर 3 में शाहरुख खान भी नजर आ सकते हैं। इसके अलावा वो फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ में भी नजर आने वाले हैं। सलमान कभी ईद कभी दिवाली फिल्म में भी मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं। उनकी आखिरी फिल्म राधे OTT पर रिलीज हुई थी। उम्मीद है कि महामारी खत्म हो जाए तो उनकी आने वाली फिल्म थिएटर में रिलीज होगी।